आपको बता दें कि आरसीपी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन, 13 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरने दिए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, क्या कहना है कांग्रेसी नेताओं का? देखिए बिल्कुल आयुषी, जिस प्रकार से एआरसीपी को लेकर जो संग्राम यहाँ पर छिड़ा है, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक इस मसले पर कुछ नहीं हुआ है। उसी को लेकर आज जिला कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और फिलहाल जो महेश जोशी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ देश में पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में बयानबाजी का दौर ईआरसीपी को लेकर जो चल रहा है, ईस्टर्न जो प्रोजेक्ट है राजस्थान का, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, इसको लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मनोज मुद्गल जो पार्षद है वो जुड़ चुके हैं। अच्छा मनोज जी, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, आखिर केंद्र क्यों अपने पैर पीछे खींच रहा है? देखिए, राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए, 25 सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी केंद्र में, वो भी राजस्थान में जोधपुर से सांसद हैं, उसके बावजूद वो हमारे हकों को दिल्ली तक नहीं पहुंचा रहे। यहाँ का एक भी सांसद ने कोई आवाज़ राजस्थान की जनता को नहीं उठाई। इसके विरोध में आज हम सब लोग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ईआरसीपी को लागू करने की परियोजना को लागू करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मांग हमारे हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं हम, जनता की, राजस्थान की जनता की लड़ाई, हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। आज सभी जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन हो रहा है और निश्चित, और आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे और मांग करेंगे कि राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए इसको तुरंत योजना को लागू किया जाए। अच्छा, क्या बीजेपी नहीं चाहती कि 13 जिलों को पानी मिले, क्योंकि ये पानी राजस्थान में अपने आप में एक बड़ी समस्या है? देखिए, गजेंद्र सिंह जी के जो केंद्रीय मंत्री के बयान आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ये बात को सच्चाई साबित कर रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान की जनता के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। कांग्रेस की सरकार है यहाँ, उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। ये जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको जगाने के लिए भी हम आज रोड के ऊपर धूप में खड़े हुए हैं। आज 45 डिग्री टेम्परेचर में आप लोगों को दिखाने के लिए खड़े हैं कि आप जनता के साथ जो धोखा कर रहे हैं, 2024 में जनता आपको बख्शेगी नहीं, आपको बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी। या तो इस परियोजना को तुरंत प्रभाव से लागू करें, जनता के हितों को समझें, अन्यथा जनता आपको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाएगी। बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से मनोज मुद्गल यहाँ पर कह रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ महेश जोशी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महेश जी, 13 जिलों की पानी के लिए की बात है, आखिर क्या बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि 13 जिलों को पानी मिले? बीजेपी खुद राजनीति कर रही है राजस्थान में, कांग्रेस की सत्ता क्या बन गई, बीजेपी को पच नहीं रही है बात। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुना, पहले कभी बीजेपी को चुना था, तो जनता जिसको चुनेगी वो सत्ता में बैठेगा। हमने ईआरसीपी की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने बात करी, प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी की 2 बार बात करी, मैं शालीनता के साथ अपनी बात रख रहा था, अचानक जल शक्ति मंत्री जी बोल उठे, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर उन्होंने कहा हो तो। आप उनकी भाषा देखिए, मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ मुद्दा उन्होंने शुरू किया, राजनीति करने की वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए जनहित का मुद्दा है और हम इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले और गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस्तीफा दें। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जी पहल करके ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाते हैं तो राजस्थान की जनता उनको कहा सुनने के लिए माफ कर देगी, लेकिन इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले या सबको, ये हमारी प्रमुख मांग। अच्छा, जनता ने 25 सांसद बीजेपी को इसलिए दिए कि कुछ ना कुछ राजस्थान को एक भी बात नहीं। एक भी एमपी आज तक बात नहीं बोली, एक भी आदमी नहीं बोला आज तक। देखिए बिल्कुल, महेश जोशी जी का कहना है कि लगातार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित यहाँ पर कह रही, जनता ने जिस प्रकार से 25 के 25 सांसद राजस्थान को यहाँ पर दिया, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ईआरसीपी, दरअसल आयुषी ईआरसीपी 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके दरम्यान में शुरू हुई और इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो क्या कह रहे हैं आप ये सुनिए। देश का, भारतीय जनता पार्टी का जो भी मंत्री, जो भी एमपी महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल और गैस के मुद्दे पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर यदि बीजेपी का कोई भी एमएलए एमपी या मंत्री
जनता के दर्द को, परेशानी को और महंगाई के मुद्दे पर बोलेगा उसको 501 रुपए का इनाम मैं दूंगा, चाहे इनका एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, लेकिन जनता के दर्द को समझो तो सही। अब तो 501 रुपए का इनाम पाओ और महंगाई के मुद्दे पर बोलो। जो महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी का एमपी, मंत्री या एमएलए बोलेगा जनता के दर्द के अनुसार, उसको 501 रुपए का इनाम मैं दूंगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन आप कोई काम नहीं करना चाहते। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि ईआरसीपी का प्रोजेक्ट 13 जिलों में पानी की प्यास बुझाएगा, पानी मिल जाएगा राजस्थान को। प्रधानमंत्री जी का वीडियो आ गया, उसके बाद तो कोई जिद ही नहीं है। बीजेपी के नेताओं को राजस्थान में, जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए था हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और राजस्थान में ये प्रोजेक्ट लागू करवाएंगे राजस्थान के हित में। लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। आज इनके बीजेपी के नेता चले गए करौली दंगा यात्रा के लिए। न्याय यात्रा दौड़ना हो तो दंगा यात्रा है। जब करौली में शांति हो गई, अमन चैन हो गया, हिंदू मुसलमान बैठ गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए, प्यार प्रेम हो गया, अब कौन सी न्याय यात्रा नहीं है, दंगा यात्रा है। बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है कि राम नवमी के दिन दंगा क्यों नहीं हुआ। दंगा क्यों होगा, राम जी की कृपा है हमारे ऊपर, हम राम जी के वंशज हैं, उनके भक्त हैं, राम जी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और बीजेपी वालों के मुंह पे एक थप्पड़ मारा उठा। ये पापी हैं बीजेपी के लोग, ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राजस्थान का, जनता को कुछ देना नहीं चाहते। मैं इतना कह सकता हूँ बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान में बीजेपी की दंगा नीति लागू नहीं होने देंगे। राजस्थान के ऊपर भगवान राम की कृपा है, ठाकुर गोविंद देव जी की कृपा है, एकलिंग जी महाराज की कृपा है, सांवरिया सेठ की कृपा है, ये कुछ भी कर ले। अब दिल्ली से नेता बुला लिए और उन नेताओं को लेकर पहुंच गए करौली, और करौली में तो शांति है, धारा 144 है, तो वहीं पर यात्रा जयपुर में निकाल लो, कौन मना कर रहा है। तो क्या इसलिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिल रहा है ईआरसी को, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, राजनीति हो रही है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को कमजोर करने के लिए बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है। अब तो बीजेपी ने हदें पार कर दी। ईआरसीपी की जो योजना, उससे जनता को पानी मिलेगा 13 जिलों को राजस्थान। अब आपने क्या जनता से भी बदला लेना शुरू कर दिया? आप जब राजस्थान का पानी रोक दोगे, राजस्थान की पानी की परियोजनाओं को रोक दोगे, तो राजस्थान की जनता को पानी मिलेगा कैसे? मैं इतना कह सकता हूँ बीजेपी जो पाप कर रही है वो पाप बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी भी कीमत पर राजस्थान की जनता के हक के लिए, राजस्थान को पानी दिलाने के लिए आज 13 जिलों में सब जगह प्रधानमंत्री के पुतले जला रहे हैं। और हम इतना कह सकते हैं राजस्थान के बीजेपी के मंत्रियों को आगे बढ़कर ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लागू कराने के लिए काम करना चाहिए। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को वो लागू नहीं करवा पाते हैं तो फिर इनको राजनीति करने का हक ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे, तो आज इस्तीफा मांगेंगे? देखिए, वो इस्तीफा दे देंगे या नहीं दे देंगे वो तो अलग इश्यू है। वो तो हमारा इस्तीफा मांग लिया लोगों ने, मैं ये कह रहा हूँ कि नेताओं ने मांग लिया है, और इस्तीफा ना तो हमारे मेरे कहने से देंगे। मैं वो काम में कल को इस्तीफा मांगू तो मेरे कहने दे रहे हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कहा है उनसे, वो अपनी गलती स्वीकार करे, प्रधानमंत्री जी से बात करे, लागू करा दे। नाराज क्यों हो रहे हैं? मुख्यमंत्री उनसे बहुत सीनियर है और जब जोधपुर से ही है, दोनों जोधपुर से हैं, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों जोधपुर से हैं, तो मुख्यमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि आप मुझे हटाने के लिए कोशिश मत करो, आप राजस्थान को दिलाने के लिए कोशिश करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। तमाम अहम बातें उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी, आरसीपी के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो वही करौली में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर, जो आज बीजेपी की ओर से करौली में न्याय यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए। भारत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी है, कौन कौन से और बड़े चेहरे हैं जो पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि हाल में आपने प्रताप सिंह खाचरियावास को यहाँ पर सुना, महेश जोशी को यहाँ पर सुना, जो पार्षद और मधुर मुद्गल यहाँ आपको सुना, तमाम और जो कांग्रेस की जो नेत्री हैं ज्योति खंडेलवाल वो यहाँ पर पहुंची है, कुछ देर में पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम जिस प्रकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग है वो यहाँ पर फिलहाल जिला कांग्रेस की ओर से की जा रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये मांग कर रहे थे केंद्रीय नेतृत्व से कि 13 जिलों में पानी यहाँ पर पहुंचेगा, ऐसे में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। आपको बता दूं कि 2017-18 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बजट
2017 में इस परियोजना को लागू यहाँ पर किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से इसमें पूरी जो लागत की बात है, लगभग 40,000 करोड़ इस परियोजना में लागत आ रही है, जिसको अकेले राजस्थान स्टेट है वो बहन नहीं कर सकता। इसको लेकर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से मांग की थी, और जिस प्रकार से तमाम 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने बीजेपी को यहाँ दिया, इसमें उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के 13 जिलों की जो बहुगामी जो परियोजना है इसको सेंटर में यहाँ पर रखे और इसको राष्ट्र जो परियोजना है वो यहाँ पर घोषित की जाए। इससे कई फायदा है वो यहाँ पर होगा, जिस प्रकार से केंद्र का जो आधार है इसमें ज़्यादा यहाँ पर होगा, इसके अलावा जो राजस्थान को का 50% यहाँ पर होगा, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केंद्र को यहाँ पर आगे की पहल है वो यहाँ पर करनी चाहिए, ये लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते आए हैं। और जिस प्रकार से हाल में ही फिलहाल ERCP के मुद्दे को लेकर जो बहस यहाँ पर छिड़ी हुई है वो बेहद चर्चाओं में है, आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री गजन सिंह शेखावत भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं कि राजस्थान नहीं चाहता कि 13 जिलों को पानी मिले। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आगे चलकर पहल यहाँ पर करें, और जो प्रधानमंत्री है उनको जाके ये बोले कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, इससे राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनको पानी यहाँ पर मिल सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परियोजना है, पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी परियोजना है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अगर बात करें, करौली की बात करें, सवाई माधोपुर की बात करें, धौलपुर की बात करें, भरतपुर की बात करें, कोटा की बात करें, बूंदी की बात करें, झालावाड़ की बात करें, तो तमाम ये 13 जिले हैं जो पूर्वी राजस्थान में आते हैं। अगर ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है, बिल्कुल भारत देखिए 13 जिलों से आजादी को 75 बरस हुए हैं बीजेपी के लोगों, ये जयपुर को छोटी काशी कहते हैं, ये ठाकुर गोविंद देव जी की नगरी है, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान के लड़कर नहीं प्यार और प्रेम से रहते हैं। जयपुर का इतिहास पता नहीं है? जयपुर पर जब मराठों ने हमला किया, होली का दिन था, तो सारे जो राजपूत थे वो ज्यादा मस्ती में थे, तब जयपुर के मुसलमानों ने निकलकर और जयपुर की जनता की और जयपुर की रक्षा करके जयपुर को बचाया था, क्योंकि होली के दिन उन सब ने मुकाबला किया था। ये जो सोशल मीडिया के वीर है ना, नकली कायर है, पापी है, जो नकली वीर होता है जिसकी भुजाओं में दम नहीं होता, वो सोशल मीडिया पर गलत लिखता है। जो असली माँ का बेटा होता है वो सोशल मीडिया पे गलत नहीं लिखता, खुलेआम आकर सड़क पर लड़ता है, वो असली माँ का बेटा। तो असली माँ का बेटा हो तो जयपुर की सड़कों पर मैं अकेले घूमू, सोशल मीडिया पर कहीं लिखो रहा हथियार पकड़ लो यार, मैं भी देखो कितना लठे प्यार कर रहा होगा, मैं भी देख लो चाहू, बहुत परेशान हो गयो, इतने नकली है। शाखा में से वीर नहीं निकले, बीजेपी वाला एक वीर है नहीं, लुखेड़ा फिरे, अखबार वाले झूठो बयान दे रहे। जी इस्तीफा की बात आई, गजेंद्र सिंह जी महा दोस्त है, मैं तो कह रही हूं बात जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए। महेश जी ने चुपचाप कह देता कि वो वीडियो कटे तो दिखा देता है तो माथा पुड़ी कर वाला आदमी को नहीं, मैं जानूंगा क्या आदत थी को नहीं। और गहलोत साहब को मैं नेचर जानू, राजस्थान का कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नेता हो, गहलोत साहब ने कभी भेदभाव नहीं किया। आदरणीय भैरू सिंह जी का देहांत हो गया, मेरे बड़े पिताजी थे, आगे बढ़कर जब उनके परिवार जन मिलने गए और जाकर कहा, भैरू सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के उपराष्ट्रपति रहे, राजस्थान से सम्मान दे, पहली बार किसी नेता के लिए इतना बड़ा स्मारक विद्याधर नगर स्टेडियम में भैरव सिंह जी का अशोक गहलोत जी ने बनवाया। वो तो बीजेपी के नेता थे भैरव सिंह जी, और जो बीजेपी वाला को बस चाले तो मैं गारंटी हूं, देर के रही हूं मैं महेश जी पकड़ ले, पर महेश जी लागे भला इतना भला को नहीं जो कोई पकड़ लेना। महेश जी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष दिए रहा है, ए जाने आ सुखिया मुकाबलो करनो है, पूरी कोशिश में लागे रहा है, अब की बार फंस गए। अब इसका सीधा सा रास्ता है, माफी मांग लो, माफी नहीं मांगते तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा भी नहीं देते हो, माफी भी नहीं मांगते हो तो राजस्थान की जनता से माफी मांग लो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिलो, मिलकर
और कहो ईआरसीपी प्रोजेक्ट गहलोत साहब राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाएगा। आप अकेले नहीं हो, केंद्रीय मंत्री के नाते 100% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी, तब गजेंद्र सिंह जी आपके पाप धुलेंगे। और ये मौका है राजस्थान में नाम कमाने का, मौका मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, महेश जी ने दे दिया। यदि ये दाव उल्टा पटकना चाहते हो, अड़ो मत, अड़ोगे नहीं और काम कर दोगे तो माखन फिर बोलबान बच्चों का ही है। माने धन्यवाद ही देड़ो पड़ती, मैं इतना भी कौन ही। आप तो अकड़ रही हो, अब भी घुमा फिरा रिया हो, उसी का ही काल ने मैर महेश जोशी जी धोनी जहां गहलोत साहब से परमिशन मांगा ला, वीडियो ले जावाला प्रधानमंत्री जी का चार केवाला फाका वीडियो, पेट्रोल डीजल पर पिट गया प्रधानमंत्री जी, गैस सिलेंडर पिट गया। भाइयों बहनों, अब पेट्रोल डीजल की मार नहीं होगी, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, काला धन वापस आएगा। वैसे ही आपका ये वीडियो इस राजस्थान पे सुनो, हम वीडियो उनको दे आएंगे, फिर आपकी ज्यादा किरकिरी होगी। अभी गेंद आपके हाथ में है, मुझे पक्का विश्वास है बीजेपी के लोगों को ठाकुर जी सद्बुद्धि देंगे और निश्चित रूप से ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर भारतीय जनता पार्टी और गजेंद्र सिंह जी को झुकना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, कांग्रेस पीछे नहीं उठेगी, हटेगी, सड़कों पर लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन ईआरसीपी प्रोजेक्ट लागू कराकर दम लेंगे। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचर साहब। अब नरेंद्र मोदी का पुतला दहन होगा, इसके पश्चात में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का नाम हम ज्ञापन जिला कलेक्टर को हमारे विधायकगण जाके अंदर सौंपेंगे। पुतले को कृपया आगे करें, मानवेंद्र ढिल्लो कृपया ले आए पुतले को इधर आगे। तो जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किट पर भी धरना दिया गया और धरने को संबोधित कर रहे थे अभी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोल है, जहां पुतला दहन भी किया जा रहा है। 13 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यह धरना दिया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के खिलाफ यह धरना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पुतला दहन किया जा रहा है। मांग यही कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है और इसी को लेकर ही कांग्रेस का आज ये हल्ला बोल है। जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, 13 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये धरना है, जहां इस धरने में मंत्री महेश जोशी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है। फिलहाल संबोधित कर रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां दो पुतले जलाए जा रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है। एक में तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। और ये प्रदर्शन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, विरोध प्रकट किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन किया गया, ईआरसीपी को लेकर 13 जिलों में ये कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रदर्शन के दौरान, इस धरने के दौरान न सिर्फ संबोधन हुआ बल्कि अब पुतला भी दहन किया जा रहा है। विरोध दर्ज कर रहे हैं यहां पर कांग्रेसी, ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है। और कहना यही कि ये प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जुड़ी हुई परियोजना है, इसको गंभीरता से केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही है। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और लगातार कहा भी जा रहा है कि जब वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2008 में चुनाव के पहले, तो अब इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। और चलिए संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गया, बाहर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रदर्शन धरना तो जारी है, पुतला भी दहन किया गया है, कब तक ये प्रदर्शन और चलेगा जी? ईआरसीपी को लेकर, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस की ओर
की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मेयर मुनेश गुजर, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, विधायक इंद्राज गुजर सहित तमाम नेता मौजूद है। और यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जो है ना वो यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर पूरा जो मामला है बेहद चर्चाओं में है। लगातार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान की जनता ने 25 के 25 सांसद भाजपा को दिए हैं, ऐसे में ईस्टर्न जो कैनाल जो परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया, जिससे राजस्थान के और पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिलों हैं जिनमें पानी की सुविधा मुहैया होगी वो परियोजना का लाभ है वो यहाँ पर मिल सके। लेकिन अभी तक इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। इसी की मांग को लेकर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने संबोधन किया था, महेश जोशी ने संबोधित किया था। इस पर एक ही मांग यहाँ पर रखी गई थी कि राजस्थान का भला यहाँ पर हो, जितने भी वाद विवाद है जितने भी बयानबाजी हुई है उसको यहाँ पर बुलाए सरकार और केंद्रीय मंत्री, उसको सेंटर में यहाँ पर जाकर रखे और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के मिलाए। आपको बता दूं चाहता कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में अगर बात की जाए, करौली की बात की जाए, धौलपुर की बात की जाए, सवाई माधोपुर की बात की जाए, भरतपुर की बात की जाए, कोटा की बात की जाए, झालावाड़ की बात की जाए, बूंदी की बात की जाए, इसके साथ साथ 13 ऐसे जिले हैं जिसमें इस परियोजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा मुहैया होगी। ऐसे में आमतौर पर आपने देखा कि राजस्थान में पानी की समस्या बेहद कठिन है, ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते थे कि इसमें राष्ट्रीय परियोजना इसमें घोषित किया जाए, घोषित हो जाए, जिससे कि जल्द से जल्द इन 13 जिलों को पानी का लाभ है यहाँ पर मिल सके। लेकिन लगातार इस पानी के मामले पर जो बयानबाजी है उधर से गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से की जा रही है और उधर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मांग कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जब जयपुर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि ये समस्या बड़ी गंभीर है, उस पर जल्द विचार यहाँ पर किया जाएगा। उसके बावजूद भी 25 के 25 सांसदों ने राजस्थान की जो ये मांग थी बड़ी जिलों की व्यापक मांग थी इसको स्टेट में उस महत्वपूर्ण तरीके से नहीं उठा पाया जिस तरीके से उठनी चाहिए थी। 2017-18 में जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चलिए बिल्कुल, और इसलिए ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री ने भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी के खिलाफ ही कांग्रेस का ये प्रदर्शन आज। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्र के खिलाफ मुख्यमंत्री गहलोत का अभियान, एआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कराने का ये अभियान है। सीएम गहलोत के अभियान के साथ खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। आज 13 जिलों में हो रहे केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का मुद्दा उठाया है सीएम गहलोत ने, पानी के प्रोजेक्ट का ये मुद्दा प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनेगा। बीजेपी जहां करौली मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं सीएम गहलोत ने पानी का जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा उठाया है। एआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कराने का ही ये अभियान है कांग्रेस का, जिसे प्रमुखता से प्रदेश में कांग्रेस उठा रही है। केंद्र के खिलाफ मुख्यमंत्री गहलोत का यह अभियान है और अभियान यही कि आरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कराया जाए। सीएम गहलोत के अभियान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आज 13 जिलों में केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का मुद्दा सीएम गहलोत ने उठाया है, पानी के प्रोजेक्ट का यह मुद्दा प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनेगा। बीजेपी जहां करौली मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं सीएम गहलोत ने पानी का जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा उठाया। तो चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरह का घमासान प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां करौली के मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ रखा है, तो वहीं अब जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा पानी का उठाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, बेहद अहम है, चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरह से अब जनता से हित से जुड़ा हुआ पानी का यह मुद्दा मुख्यमंत्री ने उठाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी करौली मुद्दे को लेकर चल रही है, कितना असर होगा इस प्रदर्शन का? आप खुद देख रहे हैं कि पिछले अगर 2 सप्ताह की बात करें तो प्रदेश में एक चुनावी मोड़ सा नजर आ रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, जिस तरह के बयान हैं और जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको देख के लगता है कि समय से पहले यहाँ जो चुनावी जो एक तरह से कह सकते हैं बिगुल सा बजता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ करौली मामले पर लगातार वहां जाके उनके नेता जो है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आज भी उनके नेता वहां जा रहे हैं, साथ में जो धार्मिक यात्राओं को लेकर जो प्रशासन के द्वारा विभिन्न आदेश निकले हैं उनको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ बात करें तो एआरसीपी का मुद्दा है वो जोर शोर से गरमाया जा रहा है। आज 13 जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुद्दा उठाया था, जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका समर्थन किया और आज कांग्रेस के जो नेता है
वह 13 जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी श्वेता इस बारे में बयान आया है और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि प्रधानमंत्री ने जयपुर में और अजमेर की जो चुनावी सभा थी 2018 में, तब जनता से कहा था कि इस प्रोजेक्ट के बारे में काम करने के लिए, ताकि पेयजल उपलब्ध हो, सिंचाई का पानी उपलब्ध हो, लेकिन केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई काम जो है वो नहीं हो पाया है। और साथ में केंद्रीय मंत्री जो जल शक्ति मंत्री है उन पे भी आरोप लगाया है। अभी मुख्यमंत्री जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं की। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि लगातार इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाएगी, क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। तो ये मुद्दा आने वाले समय में जो प्रदेश में चुनाव होंगे अगले साल, तब ये चुनावी मुद्दा भी बनता नजर आएगा, क्योंकि जो कांग्रेस ने अब इस मुद्दे के लेके एक, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी अभियान चलाया है कि आरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है वो घोषित किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो तर्क दिया उनका कहना है कि 16 जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है अन्य राज्यों में, तो राजस्थान में एक प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो सकता, जबकि राजस्थान की परिस्थितियां काफी प्रतिकूल है, खासकर पेयजल की स्थिति की बात करें, सिंचाई के पानी की बात करें, और ये मुद्दा जो है वो 2018 से चल रहा है, इसके बावजूद अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें फिर से मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए, ताकि राजस्थान के 13 जिलों को पानी की समस्या से मुक्ति मिले, सिंचाई का पानी लोगों को मिले, और जो वादा है वो फिर से मुख्यमंत्री ने याद दिलाया है। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी।